खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी हां, अयोध्या का आखिरी फैसला जिसका इंतजार हर किसी को था, वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। कल सुबह 10:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला सुनाने जा रही है। चलिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं इस खबर पर और ज्यादा विश्लेषण के लिए, चर्चा के लिए। मेरी सहयोगी रूबिका इस वक्त मेरे साथ मसूरी से जुड़ चुकी हैं। रूबिका, अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर मेरे सारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, और मैं इस शब्द वरिष्ठ का इसलिए यहां पर इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि विजय विद्रोही 92 में जब विवादित ढांचा गिराया गया था तब वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। वहां की मैं सक्रिय पत्रकारिता कर रहा था, और भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उनसे मिला था, और तब उन्होंने बहुत बड़ी बात मुझसे कही थी कि भैरव सिंह चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तब भैरव सिंह शेखावत और मुलायम सिंह यादव और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री, उनको लेकर एक समझौते की बातचीत हुई थी, और वो समझौता कहां तक पहुंचा था। और आप रिपोर्टिंग उस वक्त कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग जो है उस वक्त हो रही थी। यहां पर इसके राजनीतिक इम्प्लिकेशन क्या कुछ हो सकते हैं वो बताने के लिए सुमित अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहां पर मौजूद है, आपको दिखाई दे रहे हैं, और पंकज झा भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि 2002 में जब शिलादान हुआ था, पंकज उस वक्त की खबर से लेकर आज जब सुबह 10:30 बजे फैसला आने वाला है, एक सफर, लेकिन मुझे लगता है पूर्ण विराम लगने को। जी हाँ, 2010 को भी हम नहीं भूल सकते हैं जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आया था, और तीन जो पार्टी थी, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तीनों को एक एक हिस्सा दे दिया गया, वो बात किसी को हजम नहीं हुई, और फिर सब लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, और अब सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े फैसला कल आ रहा है जिस पर सबकी नजर है, देश दुनिया की नजर है। हमारे साथ फोन लाइन पर किशोर कुणाल साहब जो हैं वो जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। किशोर साहब, मैं पहला रिएक्शन आपका चाहती हूं, और रिएक्शन इसलिए क्योंकि रात को 9 बजे ये खबर आती है कि सुबह 10:30 बजे फैसला आ जाएगा अयोध्या को लेकर। जी, इसमें स्वागत योग्य निर्णय है, आ जाओ, हम लोग स्वागत करेंगे, जो कुछ फैसला आएगा वो सब देश के हित में होगा, हम लोग उसका स्वागत करेंगे, और मानकर चलते हैं कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद देश में पूरी शांति बनी रही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी देश में पूरी शांति बनी रहेगी। देखिए, बार 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 ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो भी फैसला आए वो जो प्यार मोहब्बत है हिंदुस्तान का वो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए, अगर, और मंत्रियों की तरफ से अपील तक की जा रही है कि यहाँ हार का हाहाकार और हंगामा ना हो और जीत का जश्न ना दिखाई दे, बहुत सम्मानित तरीके से उस फैसले को ले लिया जाए, जज्ब कर दिया जाए। कुणाल साहब, जो निर्णय है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मान करके, उसमें जीत हार का कोई गम नहीं होना चाहिए, जीत और हार की कोई भावना नहीं होनी चाहिए, जो कुछ आए वो देश के हित में, न्याय के हित में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यही मेरी अपील होगी सब लोगों से, और मैंने इतना अनुसंधान किया है, मानकर मैं चल रहा हूँ, मैं आशावान हूँ कि अनुकूल भगवान करेंगे, अनुकूल ही निर्णय आएगा। जी तो किशोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम मंदिर के शोधकर्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि बहुत संयम के साथ उस फैसले को हमें एक्सेप्ट करना होगा जो भी फैसला होगा। सुमित, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था, और आज जब सुप्रीम कोर्ट के CJI से लेकर बाकी जजेस ने ये इत्मीनान कर लिया कि सारी चीजें कंट्रोल में है, सिक्योरिटी, और शायद तभी ये फैसला लिया गया कि सुबह 10:30। दो तीन घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिए जब हम आज बात कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूपी के अधिकारियों को बुलाया, DGP को और वरिष्ठ अधिकारी चीफ सेक्रेटरी को, उनसे हालात का जायजा लिया और सुरक्षा के इंतजाम पूछे, तो तभी से ये मन में आ गया था कि आज नहीं तो कल कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। हम मसूरी में है रूबिका, यहाँ में ठंड है, लेकिन आज मेरी जैकेट खोलनी पड़ रही है। इस फैसले की जो गर्मी है ना, जो पिछले 30-40 साल से इसका इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा, कि अयोध्या में राम मंदिर था या नहीं था, ये कल सुबह 10:30 बजे तय हो जाएगा। और ये बात जो आप बार बार कह रही हो, ये हमको एज अ चैनल, एज अ ग्रुप ये कहना चाहिए कि सबसे गंभीरता से, सबसे संजीदा तरीके से ABP न्यूज़ इस पूरी कवरेज को दिखाने वाला है, और ये बात बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए
कि संयम बना के रखें, फैसला किसी एक के पक्ष में होगा, दूसरे पक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रास्ता भी ढूंढ सकता है रूबिका कि वो दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे, जैसा कि हाई कोर्ट के अपने फैसले में किया था। वो क्या होगा मैं हम लोग उसको अज्यूम नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। विजय जी ने उस पर काम किया है, विजय जी आपको डिटेल बता सकते हैं। मतलब आपने आपने तो कुछ 4-5 तरीके के फैसले हो सकते हैं, इस पर बाकायदा रिसर्च की है, तो वो कौन से 4-5 फैसले हो सकते हैं क्या आज उस पर डिस्कस करना चाहिए? देखिए, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, जो भी उनका फैसला होगा उन्हीं को फैसला सुनाना है, लेकिन मीडिया में इस तरह के 3-4 चीजें, 5-7 संभावित चीजें चल रही हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अपहल्ड कर सकता है, कि यानी जो वो फैसला था उसी को वो लागू करे, 2.77 एकड़ जमीन तीन लोगों में बटी थी वो बांट वैसा बरकरार रखे। दूसरा, वो हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला कर सकता है। तीसरा, हो सकता है मुस्लिम पक्ष में हो। चौथा, हो सकता है कि वो एक ऐसा फैसला करे जो एक नज़ीर बने कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी हिंदुस्तान में धार्मिक संस्थान थे उनको लेकर यथास्थिति बहाल की जा सके। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्र सरकार के पाले में आखिरकार गेंद डाल दी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जब से ये मामला गया 2010 के बाद, तब पहले जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि हम आस्था के आधार पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मालिकाना हक की बात करेंगे और इसमें किसी तीसरी पार्टी को इंटरवीन भी नहीं करने देंगे। लेकिन जब इस मामले की सुनवाई हुई तो आस्था के सवाल भी बीच बीच में उठाए गए। मालिकाना हक की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी की थी, उनका कहना था कि मालिकाना हक किसी का भी साबित नहीं हो रहा। एक दूसरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद तो जो बनाई गई वो उस समय मौजूदा मंदिर था जो वर्कबल फंक्शनल था, उसको तोड़कर बनाई गई या किसी मंदिर के भग्नावशेष पर खंडर को लेकर बनाई गई, अवशेषों पर बनाई गई, ये वो उस पर लेके मत विभाजन था। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस रूप में होगी कि वो ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसमें वो सभी पक्षों को संतुष्ट करते हैं, या फिर आखिरकार हो सकता है कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में आए। अयोध्या से रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा एक बार उनका रुख कर देते हैं। रणवीर, इस वक्त आप अयोध्या में मौजूद हैं, अयोध्या की फिजा जैसा अभी सुमित कह रहे थे कि हम मसूरी में हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लगातार डिप कर रहा है, लेकिन उस फैसले के आने की गर्मी का एहसास भी है, अयोध्या में इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी, जब से ये खबर आई है, हालांकि बहुत कम समय हुआ है, मैं इस वक्त जब खबर आई तो मैं बीएचपी की कार्यशाला में बैठा था और वहाँ भी किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं लाइव करने के लिए होटल के पास आया, रास्ते में लोगों में एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी और लगातार मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब से करीब 3 घंटे पहले IG, कमिश्नर, DM और SSP के साथ जब हम लोग की बैठक हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि जो बाहर से लोग आए हुए उनको इवैक्यूएट करने का भी प्लान है। तो शायद यहाँ के जिला प्रशासन को भी उम्मीद ये थी कि कार्तिक पूर्णिमा के मेले के बाद ये फैसला आएगा, और यही वजह है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे थे कि जब भी फैसला आएगा उसके पहले हम लोगों को इवैक्यूएट कर देंगे अयोध्या से, लेकिन रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की नहीं लगाएंगे, ना कोई स्कूल कॉलेजेस को कोशिश करेंगे बंद करें और ना ही कोई परिवहन में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। लेकिन जिस तरीके से अचानक की ये बात पता चली है, अब अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में जो बाहर से लोग आए हुए हैं पंचकोशी यात्रा के लिए वो मौजूद थे, कुछ चले गए हैं, कुछ अभी भी रुके हुए हैं, ऐसे में प्रशासन के सामने एक चुनौती जरूर होगी और अब पूरी रात कश्मकश रहेगी कि किस तरह से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाए और सुबह जब तक जजमेंट आए तब तक कोई भी ऐसा तत्व यहां ना रह जाए अयोध्या में जिससे गड़बड़ी कोई फैल सके। जी रूबिका, सुमित भी यहां पर है, पंकज भी यहां पर है और विजय भी यहां पर है। पंकज, रूबिका, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि इतने साल से हम इस मामले का इंतजार कर रहे हैं, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो भी फैसला आए आप सब उसको सरमाथे करें, सम्मान करें, समाज में किसी तरीके के सांप्रदायिक सद्भाव हर हालत में बना रहे, ये कोशिश सरकार की तरफ से भी है, मुस्लिम समाज की तरफ से भी है, संघ की तरफ से भी है, बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, हम लगातार ये अपील जरूर करते हैं, तरफ से भी जो भी फैसला आए हम उसका सम्मान करें, हाथ जोड़ करके उस फैसले को सरमाथे पे लें जो भी कहा जाए, और हम जैसा भाईचारा बना रहा है देश में वो बना रहे। एक अपील सुमित यहाँ पर ये भी होनी चाहिए कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज रैट रेस जो होती है, हमने तो ये फैसला किया है, सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, किसी तरह के कोई भागम भाग में आपको
चूंकि बस खबर बतानी है तो बगैर परखे बगैर उसे क्रॉस चेक किए आपके पास हम स्क्रीन पर नहीं लाने वाले हैं। ये सर्वसम्मति से एबीपी न्यूज की टीम ने एडिटोरियल टीम ने ये फैसला लिया है और हम चाहेंगे कि बाकी मीडिया हाउसेस भी इस रैट रेस में ना रहे। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको बहुत कायदे से डील भी किया जाए। मैं दो तीन चीजें और अंडरलाइन करना चाहूंगा। हमको और पूरे देशवासियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। फैसला सुनाने के पहले यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात करता है कि कानून व्यवस्था की क्या तैयारी है, क्या डिप्लॉयमेंट है, कितने लोग अयोध्या में या लखनऊ में तैनात किए गए हैं। और यह फैसला शनिवार को सुनाया जा रहा है, शनिवार के दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, कल स्पेशली कोर्ट का एक नंबर जो कोर्ट है वो खुलेगा, चीफ जस्टिस की जो बेंच होती है वो एक नंबर में बैठती है, वो पांचों जजेस आएंगे और वो इसलिए कि अगले तीन चार दिनों तक दिल्ली में और दिल्ली के आसपास छुट्टियां हैं। गुरु पर्व की सैटरडे है, संडे है, मंडे ट्यूसडे की भी छुट्टियां कर दी गई हैं गुरु पर्व के चक्कर में। तो इस तरीके से अगर परिस्थितियां ना बिगड़े, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में किया जा सके, स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतें ना हो, माँ बाप परेशान ना हो, इस बात का ध्यान सब कोई रख रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा कि एबीपी न्यूज ने तय किया, जो रूबिका आपको बता रही है, कि ये सबसे संजीदगी भरी कवरेज होगी, इसमें ब्रेकिंग न्यूज की होड़ नहीं है, कोई भी गलत चीज नहीं चलेगी, ये गारंटी हम आपको आज 12 घंटे पहले बता दे रहे हैं फैसला आने के। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि मेरी जो टीम है जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात है कल सुबह से निपुण की अगुवाई में, उससे अधिक गंभीर और संजीदा टीम कोई नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझा सके आपकी भाषा में, आपके अपने तरीके से। बिल्कुल सही सुमित। और अपील कर दें कि सोशल मीडिया एक बहुत मजबूत हथियार है आज की तारीख में, हम सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी पोस्ट, कोई भी देश का आदमी सोशल मीडिया पे इस तरीके के ना करे। और जो लोग कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रीट्वीट और लाइक्स और इनके चक्करों में बड़ा मजा आता है, अगर वो ऐसी कोई बात कह भी दे तो इग्नोर कीजिए, उस पर किसी तरह का कोई कमेंट ही नहीं होना चाहिए। निपुण सहगल भी, जैसा अभी सुमित कह रहे थे कि पूरी टीम तैयार है, निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज भी हमारे साथ विजय चौक से जुड़ गए हैं, रणवीर आप जानते हैं अयोध्या से, और यहां पर मेरे सारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले निपुण का अभी मैं रुख करना चाहूंगी। निपुण जरा बताइए, इस फैसले को लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां कोर्ट में, क्या कोर्ट में कोई तैयारी की गई है? देखिए, कोर्ट में हमें ये तो दर्शकों को जरूर बताना पड़ेगा कि कोर्ट ने एक तरह से सरप्राइज में लिया है सबको। रात को 9:15 बजे के करीब नोटिस अचानक से आता है, और वो भी किस दिन के लिए, जिस दिन कोर्ट में आमतौर पर कामकाज नहीं होता, शनिवार का दिन है, अदालत नहीं बैठती इस दिन। तो मकसद साफ साफ ये है कि एक तो सरप्राइज में लेना, ताकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगले हफ्ते आएगा फैसला, तो तैयारियों का किसी को, जहां हम मीडिया वालों को भी पूरी तरह से तैयारी का मौका नहीं मिला है, तो अगर किसी की उपद्रव या साजिश की किसी को कोई कोशिश करना चाहता तो शायद ये पहलू भी एक तरह से ध्यान में रखा गया है कि अचानक से ये फैसला आ रहा है, और कोर्ट में भी भीड़ भाड़ कल नहीं होगी। तो सबसे बड़ी तैयारी ये है कि जजों के दिमाग में बिल्कुल ये स्पष्ट था कि फैसला शनिवार को देना है, ये बात लोगों को सार्वजनिक नहीं की गई। और आज जो यूपी के दो आला अधिकारियों को बुलाया गया था, इसका भी मकसद यही नजर आता है कि उनको एक तरह से हिंट दे दिया गया था कि फैसला कल आ सकता है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, यानी तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसका भी ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। कल सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा, जैसा कि अभी समझ में आ रहा है, और जैसा कि कुछ संकेत मिले हैं कि केस से जुड़े लोगों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। और हमारे जैसे पत्रकार जो नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, हमें और जो लोग केस से जुड़े हुए हैं, जो इस मामले से सीधे सीधे जुड़े हुए वकील हैं, यानी तमाशबीनों के लिए, भीड़ बढ़ाने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और बहुत मुख्य पुजारी है रामलला के, जरा उनका रुख कर लेते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है जो पंकज जो है हमें कुछ देर में देने वाले हैं, लेकिन सत्येंद्र दास जी, ये जो फैसला आने वाला है, इस फैसले को लेकर आपकी अपील बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको सुनने वाले, आपको जानने और मानने वाले भी बहुत तादाद में हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस फैसले से पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को, और एबीपी न्यूज पर जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनको? पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार की हमसे बात पूछी जा रही है, साथ ही साथ उन जजों को धन्यवाद देता हूँ जो इतने जल्दी इतने जटिल केस को इसका निस्तारण करने जा रहे हैं। और कल जो आ रहा है, हम लोग तो बहुत प्रतीक्षा करते रहे इतना दिनों तक। मैं तो रामलला को 26 वर्षों से त्रिपाल में बैठे हुए और प्रतिदिन इस प्रतीक्षा में रहे कि कब इसका निस्तारण हो और उसका समाधान हो। और इसके लिए मैं जो आ रहा है,
इसके लिए हमने सभी पक्षकारों से और साथ साथ सभी देशवासियों से यह अपील कर चुका हूं और आज भी करता हूं कि जो भी फैसला आवे सभी लोग शांतिपूर्वक इसको स्वीकार करें और किसी प्रकार का कोई भी संप्रदाय या और भी विवाद देश में हो और देश सदा शांति से रहे और इसी प्रकार से बड़ी प्रसन्नता है और आशा है जब 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगा तो तब उसके बाद में इसकी इस सुनवाई के बाद और भी प्रसन्नता होगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद और सभी को शांत रहने के लिए और ये आदेश देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। जी सत्येन जी, पंकज मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। सत्येन जी, कल जो है रामलला के पूजा पाठ कैसे होगा, मतलब जैसे होता रहा वैसे ही होता रहेगा कि कल क्या है? देखिए कल चूंकि ये सूचना मिल चुकी है रामलला और मैं बड़े उसकी पूजा प्रसाद विशेष पूजा के रूप में हम उसको प्रस्तुत करेंगे और नए वस्त्र धारण कराएंगे, साथ ही साथ मेवा मिष्ठान से भोग लगाएंगे और इस प्रकार से इत्र से अभिषेक करेंगे। तो इस जो होगा काल का जो पूजा होगा अन्य दिनों की अपेक्षा विशेष पूजा होगी। अन्य दिनों की अपेक्षा पंकज वो कह रहे हैं कि विशेष पूजा होगी। सत्येन दास जी, विशेष पूजा होगी ये भी एक खबर है, बड़ी खबर। फैसले को मानेंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, उन्होंने ये बात कही है साफ तौर पर। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड, बस एक बड़ी खबर आ रही है उसके बाद विजय मैं आपका रुख कर लूंगी। एक बड़ी खबर रणवीर जो है अयोध्या से हमें देना चाह रहे हैं, शायद वही खबर जो पंकज जिसका जिक्र आप कर रहे थे। रणवीर बताइए। जी दो चीज़ें, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी ने जो पूछा, तो प्रशासन का कहना है कि जिस दिन भी फैसला आएगा हम रामलला का जो नियमित दर्शन है उसको बंद नहीं करेंगे। और दूसरी खबर सरकार की तरफ से अभी अभी आई है कि पूरे यूपी के स्कूल कॉलेजेस को कल बंद रखा जाएगा। अभी अभी सरकार की तरफ से मैसेज आया है कि सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको आदेश दिया जाता है कि कल कोई ना खुले और साथ ही अब शुरुआत होगी कुछ रिस्ट्रिक्शंस की। तो ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अयोध्या में सब कुछ सामान्य रहे, अपील भी करते हैं सबसे कि सब कुछ सामान्य रखे, लेकिन इस बीच में प्रशासन का जो दावा है उसके मुताबिक रामलला का दर्शन जिस तरीके से होता था, पूजा पाठ जिस तरह से होती थी वैसी ही होती रहेगी, उस पर कोई फिलहाल रोक जिला प्रशासन लगाने नहीं जा रहा है। जी रुपया, नगर में उसमें गाँव चौपाले की ऑलमोस्ट 500 के ऊपर चौपाले हुई हैं, तो उसमें सभी में शेयर किया गया है और पूरी सभी जगहों पे जनपद में आपने देखा होगा कि वॉल पेंटिंग से लगभग 18,000 जगहों पे पुलिस के नंबर्स लिखे गए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मीडिया के सारे मैं यही चाहता हूँ कि मीडिया भी जो हम लोग काउंटर र्यूमर जो अपनी जो भी हम बात बताते हैं जो र्यूमर्स होते हैं उसका काउंटर र्यूमर इमीडिएटली खंडन करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाएँ जिससे कि सुरक्षा का माहौल रहे। थैंक यू सर। अयोध्या के SSP को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने यही एक बार फिर से अपील की है जो हर पक्ष कर रहा है इस वक्त हिंदुस्तान को कि ताकत को और मजबूत करने वाला शख्स कहने वाला है। लेकिन आप कुछ पंकज कहना चाह रहे हैं? नहीं, शायद रणवीर ने वो खबर बता दी कि स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और अयोध्या समेत यूपी के जितने भी संवेदनशील इलाकों में हैं वहाँ पर गश्त अभी से, जैसे ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आएगा, फ्लैग मार्च और वहाँ पर गश्त बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है, सबकी यही चाहत है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ रूबिका, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को अगले संडे को यानी 17 तारीख को रिटायर होना था, कल फैसला आ रहा है 9 तारीख को माफ करिएगा। इसका मतलब एक हफ्ते पहले क्यों आ रहा है ये भी समझने की जरूरत है। उसकी वजह से मुझे ये लगता है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि अगला एक हफ्ता जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच मौजूद रहेगी वो रिटायर नहीं हुआ करेगा, उसको हम मानेंगे। इकबाल साहब, उम्मीद लगाई जा रही थी कि 17 को रिटायर हो रहे थे, 15-16 तक फैसला आएगा, लेकिन फैसला कल 9 तारीख को ही आएगा और अगले दिन आप लोगों का 12 वफात है, आप लोग वो भी मनाएंगे 12 वफात, उसके पहले ही ये फैसला विवाद का जड़ समाप्त होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए जो कुछ भी जो है सरकार जो है कर रही है, सारे इंतजाम हैं, फैसला होगा और बेहतर तरीके से होगा,
हमको जो है अदालत का भी सम्मान करेंगे, सरकार का भी सम्मान करते हैं और अपने यहाँ पब्लिक को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी फैसला है अपने घरों में आप लोग बैठ करके मानिए, जात धर्म मंदिर मस्जिद जो है इसमें राजनीति ना करें, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हम देश का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस में कोई बातचीत आगे बढ़े और फैसले को माने, अपने घरों में बैठ के माने। इकबाल साहब, आप बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, अपने बाबूजी की जगह पे आप ही ये संभाले हुए हैं लड़ाई, फैसले से पहले आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो अपनी कौम को भी संदेश दे चुका हूँ, सुबह से भी दे रहा हूँ, कल भी दिया हूँ, आज भी दिया हूँ। हम तो अयोध्या में रहते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं, ना यहाँ कोई ऐसी कोई बात है, कभी हम लोगों में आपस में अयोध्या में कभी तू तो मैं तक नहीं होती। तो इसलिए हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी फैसला आवे उसको अमन सुकून के साथ लोग माने और इस देश को एक संदेश दें कि ये जो है बहुत दिन का एक फैसला था, आज ये खत्म हो गया, आज ये फैसला हो गया, हम उसको मानेंगे। इकबाल साहब, आपको सुरक्षा में कोई कमी लग रही है कि कोई दिक्कत होने वाली है अयोध्या में? देखिए, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, तो कम से कम अगर इस बात का लोग ख्याल रखेंगे, इसका लिहाज रखेंगे, तो जो सरकारें जो कहती हैं वो करती भी हैं। ये माननीय योगी जी की सरकार है, हमको भी जो है भरोसा है, पूरे सारे लोगों में भरोसा है कि जो कुछ भी यहाँ की जो ने गुजरेगा वो बेहतर ही रहेगा। इकबाल साहब, कुछ मुस्लिम धर्म लोगों ने ये भी कहा था कि अगर जो भी फैसला आए, चाहे मंदिर या मस्जिद जिसके भी पक्ष में आए, सबको मिल के वहाँ कार्य सेवा करनी चाहिए, मस्जिद के पक्ष में आए मस्जिद के लिए काम करें, मंदिर के पक्ष में आए मंदिर के लिए मिल के काम करें, एक मैसेज जाए अयोध्या से पूरे दुनिया को, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में जो भी है वो सब बेहतर तरीके से रहेगा, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, यहाँ सब एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जब फैसला अब जो है आएगा, अभी तो जो है फैसला आया नहीं ना, सुबह फैसला आने वाला है, हम अच्छा संदेश आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। उस संबंध में हमने यहाँ बैठक की जिसमें आगरा और आगरा रेंज के सभी अधिकारी यहाँ आए थे और उस बैठक में बहुत ही लोगों से पूछताछ की गई कि किस प्रकार हम विश्वसनीयता प्रकट कर सकें। पीस कमेटी की मीटिंग हो रही है, फुट पेट्रोलिंग हो रही है, इन सबों में हम लोगों ने चर्चा की, उस पर हम निगरानी रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी हम निगरानी रखे हुए हैं जी, उन सबों पे कार्रवाई हो रही है, उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। आसानी से और सबसे सटीक फैसला एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं और आपको बता दें कि सुरक्षा के इंतजाम पूरे तरीके से चाक चौबंद और आप सुन पा रहे थे यूपी पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी ओपी सिंह, उन्होंने कहा कि हर गतिविधि पर हमारी नजर है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर। एबीपी न्यूज भी तमाम लोगों से अपील करता है कि फैसला जो भी हो आप किसी भी तरह से भ्रम पैदा ना करें, हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। एसएसबी से भी हो रहा है, हमारे चेक पोस्ट उन सबों से हो रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उनके इन्फिल्ट्रेशन को नहीं होने दें और उसको सर तो अयोध्या का आखिरी फैसला कल सुबह 10:30 बजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। इस वादे के साथ आपको ये बात कह रही हूँ कि पूरी टीम ने एबीपी न्यूज की ये प्रण भी लिया है, ये सोच विचार कर सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि इसमें बहुत संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी, क्योंकि ये जो फैसला है वो खुद ही इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है कि इसमें जरा भी इधर उधर नहीं किया जा सकता है, पूरा क्रॉस चेक किया जाएगा, इंतजार होगा अच्छे से जो फैसला है उसे पढ़ लिया जाए और उसके बाद आप तक पहुंचाया जाए। हाँ जी हाँ, ये इस बात का पूरा ध्यान रखा होगा, रखेंगे हम लोग। 2010 के अंदर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब लखनऊ बेंच का फैसला आया था तब भी हमने इस बात का ध्यान रखा था कि फैसले को जिस रूप में कहा गया है फैसला उसको हम आसान शब्दों में, सरल शब्दों में हम समझा सकें।
अभी हम अमन चैन भाईचारे की बात कर रहे हैं। संघ ने अपने लोगों से कहा है कि वो इसका जश्न तो मनाएं लेकिन किसी दूसरे की भावनाएं आहत ना हो, इसका ध्यान रखें, वो मंदिरों में जाके दिए जलाएं, इसकी बात हो रही है। बीजेपी की तरफ से मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि अपने विधायकों और सांसदों को अपने अपने इलाकों में जाने के लिए कहा है ताकि वो वहां पर अमन चैन बनाए रखने की बात करें। 1992 की अगर मैं बात करूं, जब विवादित ढांचा टूटा था, मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था जयपुर के अंदर, तब भी हमारा एडिशन रोक के रखा गया था कि रात को वो दिल्ली से आएगा, केंद्र स्तर पर आएगा कि दिल्ली नवभारत टाइम्स से राजेंद्र माथुर साहब डिसीजन करेंगे कि हमें हेडिंग क्या देना है, और हेडिंग भड़काऊ नहीं होना चाहिए था, और हेडिंग ये आया था कि विवादित ढांचा ढहा, तो ये वहां से हेडिंग आया था। बड़ा ध्यान रखना होगा इस बात का। आठ कॉलम में छपा जी। स्कूल कॉलेजेस, पहले ये फैसला नहीं लिया गया था कि स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन अब एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजेस, जैसा पंकज अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, अयोध्या में बंद कर दिए गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या हमें इस बात का इत्मीनान कर देना चाहिए कि नहीं, बाकी जगह चीजें ठीक है? देखिए, मैं दो तीन घटनाएं याद दिलाना चाहूंगा। 2010 में जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। वो लोग जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो राम मंदिर का आंदोलन खड़ा कर रहे थे, वो आज सत्ता में है, चाहे यूपी की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो। अब ये जिम्मेदारी इन लोगों पे ज्यादा बनती है कि जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे थे बीते इतने सालों से, अगर कल वो मांग पूरी होती है, नहीं होती है, जो भी फैसला आता है, उसके बाद परिस्थितियों को कंट्रोल में रखना नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी होगी। और ये था, वो ऐसा फैसला था जिसमें किसी भी पक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें इस बात की गुंजाइश, इस बात की संभावना। उसकी बात विजय जी मैं उसकी बात, एक पंकज जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फैसला क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो लोग सत्ता में हैं, जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, ये उनके लिए ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए 1% मान लीजिए कि उनके खिलाफ फैसला आता है, तो भी सिचुएशन हिंदुस्तान की खराब नहीं होनी चाहिए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ना सरकारों की है, ना सिर्फ समाज की है, बल्कि एज अ मीडिया चैनल, एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल, हम तमाम मीडिया हाउसेस की भी है कि हम ऐसा भी कुछ नहीं कहें। जी सुमित, एक मिनट, जो आप कह रहे थे ना कि क्यूरेटिव पिटीशन, वो क्यूरेटिव नहीं होगी, पहले रिव्यू होगी, पहले रिव्यू होगी फिर क्यूरेटिव होगी, और रिव्यू पिटीशन वही बेंच सुनती है जो बेंच जो मूल रूप से फैसले को सुन रही होती है। अच्छा, 10 बज चुके हैं, अभी बहुत से दर्शक एबीपी न्यूज की तरफ आए होंगे, आप जानते हैं ये घंटी बजाओ का वक्त होता है, लेकिन आज फैसला इतना बड़ा है कि हम यहाँ मसूरी से आपके सामने मौजूद हैं। और बड़ा फैसला और बड़ी खबर क्या है कि अयोध्या पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाएगा। सिर्फ अयोध्या की सरजमी ही नहीं, हिंदुस्तान का हर एक राज्य इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा इत्मीनान के साथ भी कह दीजिए, उत्सुकता के साथ भी कह दीजिए, इंतजार कर रहा है। और इसीलिए एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप कल देखने वाले हैं। अयोध्या में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पॉलिटिकली क्या कुछ हो सकता है उसे बताने के लिए हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। यानी मैं कहूं कि चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर रहेंगे कल किस तरीके के डेवलपमेंट होने वाले हैं बताने के लिए, और हमने पूरी तैयारी की। मैं एक चीज और जोड़ दूं आपकी बात में, और कल सुबह हम लोग स्टूडियो से होंगे, भले ही मसूरी में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, कल सुबह 6 बजे से चाहे रूबिका हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रुमाना हो, या बाकी हमारे को-एंकर्स हो जो इस वक्त मसूरी में एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, ये सुबह 6 बजे आपको दिल्ली स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में मिलेंगे। बहुत बड़ा नजीर साबित होने वाला है। आस्था के आधार पर कोर्ट कभी फैसले नहीं करता है, सबूतों के आधार पर करता है। सबूत राम मंदिर पे किसी के पास, कागज किसी के पास नहीं है। पर विजय जी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जितनी भी हियरिंग चली अभी सुप्रीम कोर्ट में बीते 45 दिनों में लगभग, उसमें आस्था एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। सब पक्षों ने आस्था पर बात। एक बात बता दूं कि राम जन्मभूमि में जो 2 वर्कशॉप हैं, कार्यशाला है, जहां पे पत्थर तरासने का काम चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पहली मंजिल तक राम मंदिर के बनने का काम पूरा हो चुका है, वहाँ काम बंद कर दिया गया है। और हम ये क्यों भूल रहे हैं विजय, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि जब सवालों का दौर चला था जजेस की तरफ से, उसमें आस्था एक बहुत बड़ा बिंदु था, जिसे बार बार, चाहे वो चबूतरा हो उस पर पूजा करने की बात हो, या फिर वहां से सीता रसोई की बात हो, आस्था को ध्यान में रखा गया है, ये हमें नहीं भूलना। नहीं नहीं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब इससे पहले दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस मामले को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम आस्था के आधार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन रंजन गोगोई ने
के समय तो 40 दिन की सुनवाई में हमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं बोबडे, उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिया इंटरव्यू में कहा कि हम आस्था के आधार पर भी चीजों को देख रहे हैं। एसएसपी अयोध्या जो है, एसएसपी अयोध्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जो CAPF है या हमारी PAC है, लोकल पुलिस है, बाहर की पुलिस है, या जो हमारे होमगार्ड्स वगैरह हैं, इन सभी की ड्यूटी डिप्लॉय की गई है। जो बैरियर्स वगैरह भी हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स भी लगभग 16 वगैरह लगाए हुए हैं। इसके अलावा इनर बैरियर्स भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में सैंड बैग मोर्चाज वगैरह हैं। अलग अलग कंपोनेंट पुलिस के जो हैं, ATS है, LIU है, फायर है, BDDS टीम्स हैं, ये सब भी यहाँ पर जो है डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट साइड में, उसमें CCTV हैं, ड्रोन्स हैं, बॉडी कैमराज वगैरह हैं, ये सभी को सुरक्षा में यूज़ किया गया है। डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया और तैयारी धीरे धीरे की जाए। उसके अलावा हमारा जो मोबाइल पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग का रहेगा, तो उसमें 200 मोबाइल व्हीकल्स का जो हमारा मोबिलिटी प्लान है, वो उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम फ्लैग भी करते हैं और उसको हम लोग एक्शन भी लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अफवाहों से बचें, और यहाँ पर इस वक्त नॉर्मल एटमोसफेयर चल रहा है, और मेरा और DM सर का दोनों का यही मानना है कि जो आम आदमी का जीवन यापन है, वो सुरक्षित माहौल में और जैसा नॉर्मल है वैसे ही चलता रहे। जो कुछ भी जो है सरकार जो है कर रही है, सारे इंतजाम हैं, फैसला होगा और बेहतर तरीके से होगा। हम जो है अदालत का भी सम्मान करेंगे, सरकार का भी सम्मान करते हैं, और अपने यहाँ पब्लिक को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी फैसला आए, अपने घरों में आप लोग बैठ करके मानिए। जात धर्म मंदिर मस्जिद जो है, इसमें राजनीति ना करें, क्योंकि तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हम देश का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस में कोई बातचीत आगे बढ़े, और फैसले को माने, अपने घरों में बैठ के माने। देखिए, अयोध्या में जो भी है वो सब बेहतर तरीके से रहेगा। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, यहाँ सब एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जब फैसला अब जो है आएगा, अभी तो जो है फैसला आया नहीं ना, सुबह फैसला आने वाला है। हम अच्छा संदेश आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे।